वेलकम टू राइट बी स्टडी। मैं सुशील कुमार विश्वकर्मा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक क्लास उन लोगों की इंपॉर्टेंट है जो भाई लोग SSC ग्रुप डी DRDO NTPC यानी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा दिया था फाइलों के बारे में, आज नेक्स्ट फाइलों पढ़ाने जा रहा हूँ जो हमारा क्या है दोस्तों, फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी माने दोस्तों होता है, प्लेटी माने फ्लैट, क्या होता है फ्लैट, और हेलमिंथीज माने दोस्तों चपटा होता है, जिसे वार्म बोलते हैं, वार्म बोलते हैं, ठीक है। फ्लैट माने दोस्तों चपटा होता है, और वार्म माने क्रीम या कीड़ा बोलते हैं, इसे क्रीम या कीड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लैट माने क्या होता है, चपटा होता है, वार्म माने क्रीम होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें ना तो पेट और ना पीठ का पता नहीं होता है कि पेट कहाँ पे है और पीठ कहाँ पे है, ठीक है। इनमें क्या होता है, पेट और पीठ का पता नहीं होता है, आप पेट और पीठ को नहीं पहचान सकते हैं कहाँ पेट है कहाँ पीठ है। तो दोस्तों क्या है, फ्लैट माने क्या होते हैं, चपटे होते हैं और क्या होते हैं, वार्म होते हैं, क्रीम होते हैं, चपटे होते हैं और क्या होते हैं, क्रीम होते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों इसमें क्या है, दोस्तों पहला क्या है इसमें, फर्स्ट चीज का इसमें एलिमेंट्री कैनाल आर अब्सेंट, आहार नाल जो होते हैं दोस्तों, आहार नाल अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित। इसमें जो दोस्तों आहार नाल क्या होता है, अनुपस्थित आहार, आहार नाल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आहार नाल क्या होता है दोस्तों, जिसके थ्रू क्या होता है, भोजन जाता है शरीर के अंदर, वो हमारा क्या आहार नाल होता है, क्या होता है, आहार नाल होता है। तो इसमें क्या होता है, आहार नाल उपस्थित नहीं होते है, अनुपस्थित होता है, क्या होता है, अनुपस्थित होता है। सेकेंड बात करते हैं दोस्तों, सेकेंड बात करते हैं दोस्तों आपको क्या, ये क्या होता है दोस्तों, ये बाइलेटरल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये दोस्तों द्विपक्षीय होते हैं, क्या कहते हैं, द्विपक्षीय, क्या होता है, द्विपक्षीय मानते हैं दोस्तों। इस तरह मान लीजिए कोई पॉइंट होगा, जिससे मान लीजिए इसको दो भागों को काट दिया जाए तो क्या होगा, इस तरह क्या होगा, द्विपक्षीय हो जाएंगे, ठीक है, यानी क्या होगा, बाइलेटरल होंगे, इस तरह दो भागों में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बाइलेटरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बाइलेटरल होते हैं, क्या होते हैं, बाइलेटरल होते हैं। और क्या होता है दोस्तों, और इसमें क्या होता है दोस्तों, और दोस्तों इसमें क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है दोस्तों, अभी तक आपने बिब्लियोब्लास्टिक बताए थे, आज मैं बता रहा हूं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में दोस्तों क्या होता है, इसमें एक्टोडर्म होता है, क्या होता है, एक्टोडर्म होता है, इंडोडर्म होता है, और हमारा क्या होता है दोस्तों, मेजोडर्म होता है, यानी तीनों टिश्यू लेयर के क्या है, तीनों टिश्यू लेयर क्या है, इसमें तीन टिश्यू लेयर पाए जाते हैं, कौन, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और क्या होता है दोस्तों, मेजोडर्म होता है, क्या होता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेजोडर्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, आर्गन लेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं दोस्तों अंग संगठन, क्या बोलते हैं, अंग तंत्र या अंग संगठन होता है,
यहां से को दोस्तों क्या होता है, यहां से अंग बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमारा प्लेटिथेलमिंथीज है यहां से क्या होता है, अंग बनना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, अंग बनना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, इसमें अंग बनना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये चपटे होते हैं, क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इसे बोलते हैं फ्लैट वार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैट वार्म के नाम से भी जाने जानते हैं। क्या होते हैं, फ्लैट वार्म के नाम से भी जाता है। ये चपटे होते हैं इसलिए क्या, इसे बोलते हैं फ्लैट वार्म के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, ये इंडोक्राइन होते हैं, इंडो पैरासाइट्स होते हैं, इंडो पैरासाइट्स होते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में अंतः इंडो पैरासाइट्स। ठीक है, इंडो पैरासाइट्स जिसे बोलते हैं अंतः परजीवी बोलते हैं, अंतः परजीवी। अंतः परजीवी क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके चेहरे पे क्या होगा, छोटे छोटे दांत के दाने पड़ जाते हैं, दाने दिखने हैं, और रिंग के गोले के रूप में इस तरह दिखे बोलते हैं, जिसे दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दांत बोलते हैं। और दोस्तों छोटे छोटे बच्चे जब अपना मल त्याग करते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े देखते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, कितना भी वो खाए, कितना भी लड़का खाए, बोलता है कि इतना खाता है पीता है फिर भी इसके मतलब कि मोटा नहीं होता है। क्यों नहीं वो मोटा होता है दोस्तों, क्योंकि इसके साथ जो छोटे छोटे क्या हैं इस तरह वार्म है, तो ये क्या करेगा, इनको क्या करेगा, अंदर जो अभी कुछ भी खाना खाते हैं तो वो सब खा जाते हैं, वो सब क्या खाते खा जाते हैं, इसलिए क्या होता है, बच्चा मोटा नहीं होता, पतला ही रहता है। ठीक है, तो क्या है, इंडोक्राइन पैरासाइट्स क्या होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे उसके चेहरे पे जो दाना होते हैं, दाने तरफ होते हैं, इस तरह छोटे छोटे दाग पड़ जाते हैं, जिसे दाद बोलते हैं, दाद हो जाता है। और सेकेंड क्या है दोस्तों, जब छोटे बच्चे अपना मल त्याग करते हैं तो मल त्याग के टाइम में क्या होता है, तो छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, तो क्या होते हैं छोटे, जो क्या करेंगे दोस्तों, आपके डाइजेशन को ज्यादातर क्या करे, प्रभावित करेगा। तो कितना भी आप खाते हैं फिर भी क्या होते हैं, मोटे नहीं होते, छोटे बच्चे पतले ही रह जाते हैं। तो क्या होता है, अंतः परजीवी होता है। क्या होता है, अंतः परजीवी होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, एक फ्लेम सेल होता है। क्या होता है, फ्लेम सेल होता है, फ्लेम कोशिका होती है। क्या होती है, फ्लेम कोशिका होती है, जो हमारा दोस्तों क्या होता है, आसमू आसमोग्यूलेशन, आसमोग्यूलेशन और क्या दोस्तों, उत्सर्जन, उत्सर्जन में मदद करती है। इसमें कौन सी कोशिका मदद करती है, जो फ्लेम सेल होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्लेम सेल किस में पाया जाता है दोस्तों, वो क्या होता है, प्लेटिहेलमिंथीज में पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, एक्सक्रीजन यानी उत्सर्जन में मदद करता है, और ऑस्मोग्यूलेशन में मदद करता है। किसमें, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या होता है दोस्तों, ऑस्मोग्यूलेशन और उत्सर्जन में क्या करता है, मदद करता है। इसमें क्या होता है, फ्लेम सेल होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, दोस्तों ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल्स मीन्स क्या होता है दोस्तों, द्विलैंगिक होते हैं। क्या होते हैं, द्विलैंगिक। क्या होते हैं, द्विलैंगिक होते हैं। द्विलैंगिक मीन्स क्या होता है दोस्तों, इसमें भी क्या होता है, इस तरीके से इसमें से मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, और क्या होता है दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, जिसमें दोस्तों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, वो हमारा क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला दोनों की क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव या प्रजनन अंग होते हैं, दोनों की क्या प्रजनन अंग होते हैं, उसे क्या बोलते हैं,
बाईसेक्सुअल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे उभयलिंगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उभयलिंगी, ठीक है। ये क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, यानी कि मीन्स इसके अंदर मेल मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। बात करता हूँ दोस्तों, ये क्या होता है, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो हमारा निषेचन होता है, क्या होता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन जो होता है दोस्तों क्या होता है, इंटरनल होता है, क्या होता है, इंटरनल होता है, कैसा होता है, इंटरनल। बट क्या होता है दोस्तों, इसका जो डेवलपमेंट होता है यानी विकास जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है, यानी ठीक है, या एक्सटर्नल होता है, क्या होता है, एक्सटर्नल या इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप मतलब दोस्तों क्या होता है, इसमें लार्वा बनता है, क्या होता है, लार्वा बनकर क्या होता है, इसका विकास होता है, क्या बनता है, लार्वा बनता है, लार्वा बनकर इसका क्या होता है, विकास हो जाता है, क्या होता है, विकास होता है। इसके जो दोस्तों एग्जाम्पल है, टीनिया, फाइसिओला और प्लेनेरिया, टीनिया, फाइसिओला और प्लेनेरिया दोस्तों, ये टीनिया जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जो छोटी आंत है दोस्तों उसको प्रभावित करता है, ठीक है। और जो दोस्तों फैसिओला होता है ये हमारा लीवर को इन्फेक्शन करता है, इसको लीवर को इन्फेक्शन करता है। और जो दोस्तों प्लेनेरिया जो है हमारा, ये दोस्तों ब्रेन को हमारा क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। ब्रेन को क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, ये क्या करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है। इसके एग्जांपल कौन है, टीनिया, टीनिया क्या होता है दोस्तों, छोटी आंत को प्रभावित करता है। और फाइसिओला जो है दोस्तों लीवर को प्रभावित करता है। और दोस्तों प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया किसको प्रभावित करता है दोस्तों, हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है, किसको, ब्रेन को प्रभावित करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ज़्यादातर इसे एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, और कौन सा सेल इंपॉर्टेंट है इसमें, या फ्लेम सेल है, और क्या होता है, एक और पूछा जाता है कौन सा होता है दोस्तों, टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कैसे होते हैं, टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, और आर्गन आर्गन किसमें बनना स्टार्ट होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आर्गन आर्गन तंत्र बनना स्टार्ट होता है, आर्गन तंत्र बनना स्टार्ट होता है। तो इसमें से यही सब एग्जाम्पल पूछे, एग्जाम्पल पूछे जाएगा या सवाल पूछा जाएगा, इस तरह पूछे जाते हैं, प्रश्न उठते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, यदि दोस्तों समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।